Hey everyone, it's me Payal. Welcome back to my YouTube channel. I make videos related art, craft, DIY and decoration. If you are into it, then make sure you subscribe to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में मैं आपको ये pop-up spin envelope बनाना सिखाऊंगी जो wedding और festival season के लिए perfect money envelope है. So, make sure that you like this video tutorial and if you have any doubt, if you have any question or if you want to give me any kind of the suggestion, then just comment below. So, yeah, let's start the tutorial. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 11x7 इंच का कार्ड स्टॉक लिया है और उस पर मैं स्कोरिंग लाइन बनाऊंगी. सो मैं 4 इंच पे 5 इंच 6 इंच और 10 इंच पे स्कोरिंग लाइन कुछ इस तरह से बनाऊंगी. पेपर को स्कोर करने के लिए यहाँ पे मैं ड्रेस माई क्राफ्ट का पेपर ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ. ये पेपर ट्रिमर मल्टीपर्पज है, इसको आप पेपर कट करने के लिए एज वेल एज पेपर को स्कोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो कुछ इस तरह से मेरी स्कोरिंग लाइन दिखेंगी और अब इस स्कोरिंग लाइन को मैं पॉपअप बनाने के लिए कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी. सो इस मनी एनवलप में मैं कैश को पॉपअप में दिखाना चाहती हूँ. सो इसीलिए यहाँ पे सेंटर में मैं एक स्लिट बनाऊंगी. मेक श्योर कि स्लिट की साइज आपकी कैश बिल की साइज के अकॉर्डिंगली हो. सो यहाँ पे मैं स्लिट बनाने के लिए नाइफ और स्केल का यूज़ कर रही हूँ और कुछ इस तरह से सेंटर में मैं अपनी स्लिट बनाऊंगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हो. एंड देन मैं कार्डस्टॉक के पीछे के साइड एजिस पे ग्लू लगाकर अपना पॉपअप कंप्लीट करूंगी. मेक श्योर आपको ग्लू सिर्फ एजिस पे लगाना है क्योंकि बीच वाले सेंटर में आप अपनी कैश को रखेंगे. सो कुछ इस तरह से हमारा पॉपअप बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद अब मैं आपको स्पिन बनाना सिखाऊंगी. फ्रंट स्पिन पेज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4x7 इंच का कार्डस्टॉक लिया है और अब डाई कटिंग मशीन की मदद से कार्डस्टॉक के सेंटर में मैं एक सर्कल कट करूंगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हो और इस सर्कल के बीच में हम स्पिन बनाएंगे. अब इस फ्रंट पेज को मैं एनवलप के साथ अटैच करूंगी बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा एनवलप का एंड थोड़ा सा बड़ा है. सो उसको मैं पेपर ट्रिमर की मदद से कट कर दूंगी और उसके बाद इस स्पिन फ्रंट पेज को मैं एनवलप के साथ अटैच करूंगी. सो यहाँ पे मैं स्टिक करने के लिए रेड टेकी टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ. सो कुछ इस तरह से हमारे मनी एनवलप का बेस बन के रेडी हो चुका है. अब इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे. सो डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैं ड्रेस माई क्राफ्ट का फ्लोरल सिंपनी पेपर पैक यूज़ करूँगी. उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंटेड पेपर को एनवलप के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करूँगी और उसे एनवलप के ऊपर स्टिक करूँगी. मेक श्योर कि आपका प्रिंटेड पेपर आपके कार्डस्टॉक के साइज से थोड़ा सा छोटा हो. यहाँ पे मैं स्टिकिंग के लिए क्लियर जेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ बट यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ द ग्लू. अब हम इस एनवलप में पॉकेट बनाएंगे. सो पॉकेट के लिए यहाँ पे मैंने 2 स्ट्राइप्स को ऑलरेडी कट करके रखा है और अब मैं ड्रेस माई क्राफ्ट बॉर्डर पंच की मदद से कुछ इस तरह से बॉर्डर पंच करूँगी. को यहाँ पे पॉकेट बनाना है सो इसीलिए हम ग्लू को सिर्फ एजिस पे लगाएंगे और कुछ इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसे हम अपने एनवलप के ऊपर स्टिक करेंगे. सो जिसकी मदद से यहाँ पे पॉकेट क्रिएट होगा. सो इस पॉकेट में आप फोटोग्राफ्स, लेटर, गुड विशेस कुछ भी रख सकते हो. सो कुछ इस तरह से मैंने अपने दोनों पॉकेट को बना लिया है और अब मैं लास्ट वाले प्रिंटेड पेपर को स्टिक कर दूंगी. फ्रंट वाले पेज पे प्रिंटेड पेपर लगाने से पहले हम स्पिन बनाएंगे. सो स्पिन के लिए यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट वायर का यूज कर रही हूँ. आप ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी ले सकते हो. सो इस ट्रांसपेरेंट थ्रेड को मैं सर्कल के बीच में टेकी टेप की मदद से सेंटर में लगाऊंगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हो. मेक श्योर आप टेकी टेप ही यूज़ करें क्योंकि ये थ्रेड एकदम परफेक्टली स्टिक होना चाहिए. देन मैं उसके ऊपर ये प्रिंटेड पेपर को स्टिक करूँगी एंड लास्ट में जो एक्स्ट्रा वायर दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहा है, उसे मैं कट कर दूँगी.
के बाद स्पिन बनाने के लिए मैं ड्रेस माई क्राफ्ट 2.5 इंच सर्कल पंच का यूज़ करूँगी और इस सर्कल पंच को मैं थ्रेड बीच में आए कुछ इस तरह से स्टिक करूँगी। सो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लियर जेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ और थ्रेड को बीच में रख कर मैं दो सर्कल पंच को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से स्टिक कर दूँगी। यहाँ पे मैं पॉकेट के अंदर रखने के लिए कुछ पेजेस बना रही हूँ। इस पेजेस की साइज़ 3x6 इंच है और कॉर्नर पंच की मदद से इसके कॉर्नर को कट करके इसे मैं एनवेलप के अंदर पॉकेट के अंदर रखूँगी। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स भी रख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी मेमोरीज भी रख सकते हो। उसके बाद सेंटर में हमने जो स्लिट बनाया था उस स्लिट में हम अपनी कैश बिल को कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और उसके बाद हम इस फ्रंट पेज को फ्लावर और फॉइलेज की मदद से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो बट मैं कुछ रेडीमेड फ्लावर्स और फॉइलेज का यूज़ कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच का सर्कल कट आउट एंड उसके ऊपर मैं कॉइन को ग्लू की मदद से कुछ इस तरह से स्टिक करूँगी। इसके बाद ये डोयली की मदद से हम एक और पॉकेट बनाएंगे। ये डोयली सेम पेपर पैक में से मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक पॉकेट बनाया है और उसके बाद सम गोल्डन फॉइलेज की मदद से इस एनवेलप को डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे हमारा एनवेलप बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको स्पिन वाला पोर्शन समझाती हूँ। सो किसी को एनवेलप देने से पहले आपको इस स्पिन को 20-25 बार रोटेट करके रखना है और उसके बाद इस एनवेलप को अच्छी तरह से क्लोज करके रख देना है। सो जब भी कोई पर्सन इस एनवेलप को खोलेगा सो ये सारे स्पिन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो गए। सो कुछ इस तरह से आप अपना स्पिन एनवेलप बना सकते हो। एंड देन कुछ इस तरह से आपकी कैश बिल पॉपअप होकर आएगी। आई होप आपको ये एनवेलप अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन मेक श्योर यू कमेंट बिलो। थैंक यू।